हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आपका जो केवीएस का डेमो टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि मैम डेमो का जो टॉपिक है वो कैसे सिलेक्ट करें, या फिर आपको जो पैनल है वो आपको जो डेमो का टॉपिक है वो देगा या आपको खुद सिलेक्ट करना होगा। तो इस ये कन्फ्यूजन जो आपकी ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो भी अब तक के इंटरव्यूज़ हैं केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल का लेके चलो या फिर आप जो है परमानेंट केवीएस का लेके चलो, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस अब तक मिला है, क्योंकि देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन सभी बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, और कट ऑफ के लिए हमने डाल दी थी वीडियो कि कौन सा सेफ स्कोर रहेगा। सो उस टॉपिक को हम अलग करते हैं, यहाँ पर हम इस टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, कि पैनल देगा या फिर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उनमें किन किन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है जो भी हम टॉपिक अगर टीच करते हैं तो कौन सा बेस्ट रहता है, क्योंकि जिसके ऊपर बच्चों का ज़्यादा ट्रस्ट रहता है ज़्यादा अच्छी से समझ में आता है। तो सबसे पहले आप को जो भी पैनल में होंगे वो आपको टॉपिक दे भी सकते हैं या फिर आपको टॉपिक सिलेक्ट करने को भी कह सकते हैं, कि आपकी मर्जी है, आप जो भी टॉपिक पर आप डेमो क्लास देना चाहो उस पर दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर। सबसे पहले अगर आपको देखो अगर आपको टॉपिक दे दिया जाता है तो आपके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक ही दे दिया जाता है तो फिर आपको उसी टॉपिक पर टीच करना होगा। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है एनसीईआरटी की बुक रखी हुई मिलेगी टेबल पे आपको, तो उनमें से आपको या तो ये कह दिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक को आप टीच कर सकते हो, या फिर आपको ये कहा जाएगा कि जो आपकी मर्जी है, यानी कि जो आपकी इच्छा है, जिस टॉपिक को आप अच्छे से, जिस टॉपिक पर आपका होल्ड है आप उसको पढ़ा सकते हो। तो उसको उसके लिए सबसे पहले आप एक दो टॉपिक अपने ऐसे रखिए जिनके ऊपर आपका बहुत ही अच्छे से, मतलब टीच करके देखिए, आप मिरर का यूज़ कीजिए, आप वाइट बोर्ड का यूज़ कर सकते हो टीच करते टाइम, ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। और सबसे मेन यही रोल होता है कि आप अपनी वीडियो बना के देख सकते हो, और उसके क्योंकि देखो अगर आप टीच करते हो उस टाइम पर आपकी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन अगर आपने उस टॉपिक की वीडियो बनाई है और फिर उसको देख रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ गलती की है, क्योंकि फिर आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो कि आपने बोलने में किस तरह से, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है, कईयों की आदत होती है, हमारी भी आदत थी, मतलब एक पॉइंट को जैसे कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, जैसे हम कहते थे भाई ठीक है समझ में आ गया, मतलब हर लाइन के बाद इस वर्ड को यूज़ करते थे, लेकिन जब हमने अपनी वीडियो देखी तो एहसास हुआ कि भाई हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमने इग्नोर करना स्टार्ट किया, यानी कि उस चीज़ को कम यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की भाई इस चीज़ को हम कम यूज़ करें। तो एक वीडियो बनाओगे ना आप, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या फिर आप शीशे के सामने या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आप उनको पढ़ा के देखो और फिर उनसे पूछो कि आपको कहाँ कहाँ मेरे इस टॉपिक में गलती लगी, क्योंकि आप खुद अपनी गलती को नहीं पकड़ सकते, आपकी गलती को जो सुनने वाले हैं वही पकड़ेंगे, या फिर आप अगर आपको ये भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो वुमेन है उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि घर से बाहर उनका जाना कम ही होता है, सो उनके लिए यही है एक बेस्ट चॉइस कि आप वीडियो बनाइए और फिर उसके बाद देखिए कि आपने कहाँ गलती की है। और सबसे ज़्यादा आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करो उस टॉपिक को आप विद एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल के थ्रू, और एग्जांपल भी ऐसे होने चाहिए जो आपकी करंट की सिचुएशन से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर आप जो आपका काम चल रहा है या जो फ्यूचर्स में होगा ये जो बच्चा करेगा उससे अगर आप एग्जांपल्स को यूज़ करके अगर आप समझाओगे ना तो बच्चा बेस्ट तरीके से समझ पाता है। एक आप ये कहो डायरेक्ट भाई जो आपके जैसे अब हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट्स है तो टेक्निकल्स वर्ड्स को अगर आप यूज करोगे डायरेक्ट बच्चे के सामने तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आप उस उनको एग्जांपल्स के थ्रू आपकी जो ज़िंदगी है जिसमें आप यूज़ करते हो उन चीज़ों को उनके एग्जांपल दे देकर समझाओगे तो अच्छी तरह से आप बच्चे को समझा पाओगे। और हाँ, एक दो बच्चे की जो हमने डेमो डाली थी क्लास की
तो वैसे तो 2-3 डाल रखी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बाहर गए हुए थे कहीं, इस वजह से जो वीडियो है वो भी कम ही अपलोड हो पा रही थी। लेकिन अब आपकी जो रूटीन में वीडियो अपलोड हो पाएंगी, और अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है स्पेशली कॉमर्स के लिए, क्योंकि कॉमर्स हमारा जो है होल्ड है उसी पर, तो उसी पर वीडियो बना पाएंगे। ये तो है नहीं कि भाई आप हिस्ट्री का टॉपिक बताओगे तो उस पर वीडियो बना पाएंगे, उसके लिए सॉरी। लेकिन कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपके करंट की सिचुएशन यानी कि उससे रिलेटेड होने चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा समझ सके। और हाँ, ये मत सोचना आप कि आप PGT लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें एक दो बच्चों ने कमेंट डाले थे कि मैम इस तरह से तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको यही मानना है क्योंकि +1 से ही आपकी कॉमर्स स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर ये मान के पढ़ाओगे ना कि भाई हम छोटे बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब छोटे बच्चों को समझ में आ जाएगा तो बड़े बच्चों को तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें शर्म वाली झिझक वाली बात नहीं होती है कि बड़े बच्चे हो गए इसका मतलब क्या है कि उनको सब कुछ आता है, जी नहीं। आप +1 से स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो उस लेवल पर छोटे ही हैं, ठीक है। अब हमारी भी वीकनेस रहती थी उस टाइम पे, क्यों रहती थी, क्योंकि टीचर्स, वैसे कहा जाता है कि भाई टीचर्स को तो ब्लेम नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमारी ही गलती थी भाई, लेकिन जो अगर आप उसको छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू, अगर करंट की सिचुएशंस के थ्रू अगर समझाते हो तो अच्छा समझ में आता है। और कभी भी बच्चे को ये नहीं मानना चाहिए कि उसको उस चीज़ की नॉलेज है, आप ये मानोगे कि बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और बिल्कुल छोटा बच्चा मानते हुए बिल्कुल बारीकी से आपको उसको समझाना है। ये नहीं कि PGT लेवल है, TGT लेवल, मैं ये नहीं कहती कि भाई आप डांस कर करके समझाओगे, जी नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे और जिनसे थोड़ा बहुत अगर हंसी मजाक होता है तो वो भी आपको अपने उसमें ऐड करनी है। आपको 10-15 मिनट मिलेंगे, मैक्सिमम आपको 15 मिनट मिलेंगे, उसमें ही आपका डिसाइड होगा कि भाई आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो देखो, तैयारी तो सभी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करने लग जाएंगे, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में रिजल्ट्स भी आ जाएगा। लेकिन वेट करना बंद कीजिए और तैयारी अपनी स्टार्ट कीजिए, हमने भी कर रखी है, आप भी कर दीजिए, वही कंपटीशन है सबका, ठीक है। और हम भी इस कंपटीशन में शामिल हैं, और बहुत ज़्यादा जो नॉलेज वाले पर्सन हैं वो भी इस कंपटीशन में शामिल हैं। बाजी कौन मार पाएगा जो स्टार्टिंग से तैयारी में लगा हुआ है। बट ये है कि हमारा जो इसके लिए भाई, क्योंकि रूटीन सा छूट सा गया था क्योंकि बाहर जाने की वजह से 10-15 दिन का गैप आ गया था, बट अब आपको रूटीन में हमारे चैनल्स पर वीडियो मिलेंगी, और जो आपका जो स्पोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो जो बात हमने की है वो ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि डेमो आपका पैनल भी दे सकता है, और अगर आपको खुद डिसाइड करना है तो इससे अच्छी तो बात है ही नहीं। तो आप अपना 2-3 टॉपिक ऐसे तैयार कीजिए, ऐसे परफेक्ट तैयार कीजिए कि किसी भी टाइम आप बगैर बुक उसको पढ़ सको, ठीक है। लेकिन अगर आपको टॉपिक दे दिया गया है तो आप वहाँ पे, ये नहीं है कि आपको टॉपिक नहीं आता फिर भी आप लग जाओगे पढ़ाने, जी नहीं। अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो आप 1-2 मिनट लीजिए कि सर एक बार मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, आप उस टॉपिक पर थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से पढ़िए, फिर टीच करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि वही बात है कि अगर आप जल्दबाजी में जो आपके पॉइंट है वो रह जाएंगे, सबको पता है कि भाई एकदम से अगर टीच करना, कुछ तो कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से कुछ वैसे ही हमारी टेंशन जो है उस टाइम पर बढ़ जाती है, ठीक है। मेरे साथ तो बहुत सिचुएशन ये ऐसी होती है, अभी खड़े होते ही मतलब ऐसा लगने लग जाता है दूसरे के सामने जैसे बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया। तो एक बार आप ज़रूर बुक लीजिएगा, अगर आपको वो टॉपिक 100% श्योरिटी है कि भाई आप पढ़ा सकोगे तो आप डायरेक्ट पढ़ाने लग सकते हो, नहीं तो आप एक बार ये कह सकते हो कि मैम क्या मैं एक बार देख सकता हूँ, तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लीजिए और फिर पढ़ाने लग जाइए, फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और बिल्कुल जो पैनल वाले हैं उनको बिल्कुल बच्चा मानते हुए, और जो आपकी शर्म है, जो आपकी झिझक है उसको एक तरफ रखते हुए, हमने भी यही सोच रखा है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही हमारा लास्ट चांस मानते हुए आपको टीच करना है वहाँ पे, ये मानते हुए कि भाई ये आपको मौका मिला है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आगे भी आपको मिलेगा। सो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और ये थोड़ा बहुत टाइम जो है वो आपके लिए ही निकाला जाता है। सो इसके लिए
तो आपका भी हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना. सो थैंक यू सो मच अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू. ठीक है, जल्द ही आ जाएगा. सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी जो है उस पर आप अपना पूरा फोकस रखिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, यही मान के आप अपनी तैयारी में लगे रहिए. सो थैंक यू सो मच अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक.